हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं ये सिंगल कलर की पैटर्न लेके आई हूँ। ये सेल्फ डिज़ाइन में है और बहुत ही प्यारी सी पैटर्न है। ये उल्टी तरफ से है देखिए, और ये सीधी तरफ से पैटर्न है। इसे 8 के मल्टीपल में बनाते हैं, यानी कि 8 के मल्टीपल में, और 3 फंदों को एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि मैं इसमें 8 के मल्टीपल में 24 फंदों पर बनाई हूँ और 3 फंदे एक्स्ट्रा ली हूँ, तो टोटल 27 फंदों पर मैं ये पैटर्न बनाकर आपको बताई हूँ। आप जितने भी फंदे लें, लेकिन वो 8 से मल्टीपल होने चाहिए और 3 फंदों को एक्स्ट्रा ले लें। ये पूरे 27 फंदों 27 फंदों पर मैं ये डिज़ाइन बनाकर आपको बता रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको फंदे डालकर दिखा रही हूँ कि मैं अक्सर ऐसे ही हमेशा फंदों को डालती हूँ। ये सबसे आसान सा तरीका है। वैसे फंदे डालने के कुछ तरीके मैंने बताए हैं अपने वीडियो में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पहली सिलाई सबसे पहले उल्टी बुनते हैं, पूरी सिलाई उल्टी बुनकर तब सीधी तरफ से डिज़ाइन डालते हैं। इस पैटर्न की ख़ास बात यह है कि आप इसे किसी भी स्वेटर में डाल सकती हैं, चाहे वो कार्डिगन हो, छोटे बच्चों का स्वेटर हो, जेंट्स की हाफ स्वेटर हो। ये डिज़ाइन हर स्वेटर में बहुत ही परफेक्ट दिखती है। ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे और ये पहली सीधी तरफ से पैटर्न डालते हैं। फर्स्ट रो है, 3 उल्टा बुनेंगे और फंदे को पीछे करके 1 सीधा बुनकर फंदे को 2 बार लपेटते हैं। देखिए, ठीक से ध्यान से देखिए, 1 और 2 बार लपेटेंगे उसे। 2 बार लपेटने के बाद फिर 3 उल्टा बुनते हैं फंदा पीछे करके 1 सीधा, फंदा आगे करके 3 उल्टा, अब फिर से उसी क्रम को दोहराएंगे। फंदा पीछे करके 1 सीधा, 1 सीधा बुनने के बाद 2 बार लपेटते हैं और 3 उल्टा। हर बार उल्टा और सीधा बुनते समय फंदों को आगे पीछे कर लेंगे। 3 उल्टा के बाद 1 सीधा, फिर से 3 उल्टा, 3 उल्टा के बाद फिर उसी क्रम को दोहराएंगे। 1 सीधा बुन के फंदों को 2 बार लपेटते हैं, और वैसे ही 3 उल्टा, 1 सीधा, 3 उल्टा। ये रो कंप्लीट है। नेक्स्ट रो, ये पैटर्न की सेकेंड रो है। इसमें शुरू में 3 सीधा बुनेंगे, क्योंकि उधर से 3 उल्टा बुनी थी, इसलिए 3 सीधा बुनकर फंदे को आगे कर लेंगे और 1 उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को पीछे करके 3 सीधा, तीन सीधा। इस बार ध्यान दीजिएगा, 3 सीधा बुनने के बाद
दो फंदे मैंने लपेटे थे पिछली सिलाई में, फंदे को पहले आगे कर लेंगे, फिर उन लपेटे हुए फंदे को नीचे गिरा लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी स्लो प्रोसेस पे बता रही हूँ ताकि आप ध्यान से देखें। लपेटे हुए फंदे को गिराकर और जो फंदे को सीधा बुनी थी उसे लूज़ कर लेते हैं और फिर फंदे को पीछे करेंगे और तीन सीधा बुनेंगे। फंदे को आगे करके एक उल्टा, फंदे को पीछे करके तीन सीधा और फंदे को आगे कर लेंगे पहले, फिर वो लूप्स को गिरा लेंगे जो एक्स्ट्रा लूप्स लिए थे और इस फंदे को ढीला कर लेते हैं और फंदे को पीछे करके तीन सीधा। एक उल्टा, तीन सीधा, फिर वैसे ही वो ढील लपेटे हुए लूप्स को गिराकर फंदे को लूज करेंगे और तीन सीधा बुनेंगे। ये कंप्लीट है सेकेंड रो पैटर्न की। ये पैटर्न की थर्ड रो है। थर्ड रो में तीन उल्टा बुनते हैं, फंदे को पीछे करेंगे और उस फंदे को इस बार उतार लेते हैं, फंदा आगे, तीन उल्टा, फंदा पीछे, एक सीधा, फिर से फंदे को आगे करके तीन उल्टा बुनेंगे, फंदे को पीछे करके वो लूप्स वाले जो लूज फंदा है उसे उतार लेते हैं हर बार। ये चार रो की पैटर्न है। चार रो तक उस फंदे को हर बार उतारेंगे जिसे मैंने लपेट कर बुना था और ये पूरी सिलाई वैसे ही बुन लेते हैं। तीन उल्टा, फिर एक सीधा, तीन उल्टा, ये थर्ड रो कंप्लीट है। थर्ड रो कंप्लीट है। ये फोर्थ रो और लास्ट रो है। ये सबसे पहले यहाँ पर तीन सीधा बुनेंगे, एक उल्टा, फिर से तीन सीधा, फंदे को आगे करके उतारे हुए फंदे को फिर से उतार लेंगे और फंदे को पीछे करके फिर से तीन सीधा, एक उल्टा, तीन सीधा बुनेंगे। सीधा उल्टा बुनते समय हर बार फंदे को आगे पीछे कर लें।
बस ये ध्यान रखिएगा, इस रो में भी उतारे हुए फंदे को उतार लेना है। फंदे को आगे करके उतार लेंगे और फिर फंदे को पीछे कर लेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से ये राइट साइड है, इसलिए उतारने के समय अगर फंदे आगे पीछे नहीं करेंगे तो पीछे धागा पास हुआ दिखाई देगा। बस ये पैटर्न तैयार है। इसी चार रो को बार बार रिपीट करना है। देखिए कितनी सिंपल सी पैटर्न है ये, पूरी इतनी दूर पैटर्न बना कर रखी हूँ। अगर चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।